न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वार्म अप मैच खेलने मैदान में उतरेगी टीम इंडिया, इन खिलाड़ियों पर होगी नजर। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। T20 विश्व कप 2022 का आगाज हो चुका है। इस टूर्नामेंट के 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं। भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को खेलेगी। इससे पहले टीम वार्म अप मैच खेल रही है। भारत ने वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। अब उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से है जो कि बुधवार को खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार दोपहर 1:30 बजे से वार्म अप मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों पर विशेष नजर होगी। पिछले मैच में केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारियां खेली थी। अब इस मुकाबले में विराट कोहली, रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक समेत कई खिलाड़ियों पर फैंस की निगाहें होंगी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया को दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन वार्म अप मैच में मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार ने प्रदर्शन किया। लिहाजा उम्मीद है कि इन दोनों गेंदबाजों के साथ साथ अर्शदीप सिंह भी भारत के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। हर्षल पटेल और हार्दिक पांड्या से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारतीय टीम पाक के खिलाफ मैच के बाद 27 अक्टूबर को मैच खेलेगी। इसके बाद उसका सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मैच 30 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। वहीं भारत बांग्लादेश के बीच 2 नवंबर को मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया आखिरी ग्रुप मैच 6 नवंबर को मेलबर्न में खेलेगी। आप सभी का क्या कहना है जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।